जितने भी अधिकारी जो इसके साथ में लगे हैं उनका जो श्रेय उनका जो श्रम जो लगा है इसमें उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है अधिकारियों का, सालों साल इन्हें जंगलों में बिताना पड़ता है। यहाँ अभी मैं ये जो वेलफेयर एसोसिएशन बना है लेडीज का वाइफ्स का, उस ओर मेरा ध्यान गया कि ये कई सालों तक ऐसे वनों में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं होती हैं, चाहे वो खाने पीने की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, आम जीवन की सुविधा हो। ये उनका एक समर्पण है देश के प्रति, वन विभाग के प्रति, तो उसका हम आदर करते हैं, उसका नमस्कार करते हैं आप सब लोगों का जिन्होंने इतना त्याग किया है। और ये जो वाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है इसके लिए भी जितना भी कार्य करना पड़े वो आप हमको सूचित कीजिए, जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम उसमें रहेंगे और साथ मिलाएंगे आप। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। टाइगर के बारे में बहुत सी बातें हैं, इसके ऊपर चर्चाएँ होती रहती हैं, और जैसे जैसे ये पुस्तकें छपेंगी, जैसे जैसे अधिकारी लोग जो हैं वो बाहर जाएंगे, आप लोगों को शिक्षित करेंगे इसके बारे में, आपको पता चलेगा। अभी आपने अभी सुधीर जी ने बताया कि किस तरह एक टाइगर जो है वो हमारी गाड़ी के पीछे लग गया और 4 किलोमीटर तक हमारे साथ बात करा। ऐसे बहुत से दृश्य हमने कभी देखे नहीं, और हम चाहते हैं कि और बहुत से लोग यहाँ आए, न केवल देश के अंदर से बल्कि विदेश से भी आए, और इसका प्रचार सही ढंग से करना होगा। और जैसा कि मैंने कहा, इस प्रचार में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, और एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं टाइगर कंजर्वेशन का एम्बेसडर बन सकूं महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वन विभाग की ओर से एक प्रतिज्ञा लिखी गई है, मैं चाहता हूँ कि इसे आप बहुत ध्यान से सुने, और इसके साथ अपने आप को संलग्न करें। मैं प्रतिज्ञा पढ़ता हूं। जीव सृष्टि हमारे धरोहर और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य संग्रहित वरदान है। इस सृष्टि में वन्य प्राणी का असाधारण महत्व है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वन्य प्राणी की सुरक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। मैं वचन देता हूं कि इस विचारधारा को कि मनुष्य पर्यावरण का स्वामी नहीं वरन इसका एक विश्वस्त है, और ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैं ये भी वचन देता हूं कि समस्त जीवों के संरक्षण के लिए मैं सदा कटिबद्ध रहूंगा। धन्यवाद।